हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं साउथ इंडियन रसम की रेसिपी लेकर आई हूँ। साउथ में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रसम बनाया जाता है, पर आज मैं घर पे ऑथेंटिक तरीके से रसम बना के आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। रेशम बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 5 टमाटर। टमाटर एकदम ताजी और फ्रेश होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके की टमाटर आती है, इसकी रसम बहुत ही टेस्टी होती है। टमाटर ऐसी वाली भी आती है, पर इससे ज्यादा अच्छा ऐसे वाली टमाटर की रसम होती है। तो आप 4 टमाटर ले लीजिए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, 12 से 13 कली लहसुन की, 1 से 2 चम्मच इमली का पल्प, 1 चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कम तीखा होता है पर कलर बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर क्वांटिटी कम कर दीजिए। 1/2 चम्मच यानी कि 1/4 चम्मच हम हल्दी लिए हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पे हम तड़के के लिए तेल, राई, जीरा, मेथी, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और हींग लिए हैं। तो चलिए हम ऑथेंटिक तरीके से अपना रसम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बोल में टमाटर को काट लेना है, तो टमाटर हम बड़े बड़े पीसेस में काटेंगे, इसे हमें छोटा छोटा पीस में नहीं काटना है। बीच वाले पॉइंट को हम ऐसे निकाल देंगे, तो ऐसे हम बीच का पॉइंट निकाल के और बड़े बड़े पीसेस में टमाटर को काट लेंगे। सभी टमाटर हमें ऐसे ही काट लेना है। हमने टमाटर को ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे मुट्ठी से ही सारे जूस को निकाल देना है। अच्छा से पका हुआ टमाटर हो तो अच्छे से जूस निकल जाता है। तो हम सभी टमाटर को मैश करेंगे। आप देख सकते हैं हमने टमाटर को अच्छे तरीके से मैश लिया है, टमाटर एकदम पल्प जैसे हो गया है। इसमें हम ढेर सारा पानी डाल लेंगे और एक बार ऐसे और मैश के और इसका हम छिलका अलग स्टेन कर लेंगे। तो हमें हाथ से ही छान लेना है, इसमें कोई स्टेनर की जरूरत नहीं है, और इसे हम अलग कर लेंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ डायरेक्ट, ये हमारा टमाटर का पेस्ट तैयार है रसम के लिए। अब हम दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने एक खलबट्टा ले लिया है, इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, जीरा, और इसे हम हमर से अच्छा सा दरदरा पेस्ट बनाएंगे। हमें कोई बारीक पेस्ट नहीं बनाना होता है, रेशम के लिए हमें बिल्कुल दरदरा पेस्ट चाहिए। तो हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक कूट लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे दरदरा कूट लिया है। अब इसी में हम डालेंगे अपने लहसुन की कली और इसे भी कूट लेंगे। हमें यही मसाला चाहिए होता है अपनी रेशम के लिए। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लहसुन, जीरा, ब्लैक पेपर का अच्छा सा दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब हम तेल में डालेंगे तड़का। तो आप देख सकते हैं हमने तड़के के लिए लिया था कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, हींग, राई दाना, जीरा और मेथी दाना, सभी को हमें एक साथ इसमें डाल देना है। हल्का सा हमें इसे तड़काना है, जलने नहीं देना है। अब सुन सकते हैं इसमें से तड़कने की आवाज आने लगी है। अब हम इसी टाइम डालेंगे अपना ये टमाटर का जो हमने जूस बना के रखा था। तो अपनी रसम जो होती है वो पतली होती है, तो इसमें हम पर्याप्त मात्रा में पानी डालेंगे। बिल्कुल पतला बनता है रसम। तो आप देख सकते हैं ऐसी ही हमें रसम बनानी है। इसे हम उबाल आने तक पकाएंगे। सांभर में हम डालेंगे ये जीरा, ब्लैक पेपर, लहसुन का जो हमने दरदरा पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। अगर ज्यादा है तो आप इसे फ्रिज में रख के दूसरे दिन भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सबको डाल दे रहे हैं और इसे अच्छे से उबालेंगे। अब देख सकते हैं अपने टमाटर में उबाल आना शुरू हुआ है। इसी टाइम पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में हम डालेंगे इमली का डश और सबको डाल के हम 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से उबालेंगे, जिससे अच्छे से अपनी टमाटर रसम के लिए पक्के तैयार हो जाए। क्या इसकी कलर है, खुशबू का क्या कहना, तो चलिए हम इसे उबाल के आपको दिखाते हैं। रसम को उबलते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें फाइनली डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और देखने में भी सुंदर लगता है। धनिया पत्ता डालने के बाद हमें ज्यादा नहीं उबालना है, हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ऑथेंटिक तरीके से अपनी रसम बनके तैयार हुई है। इसके कलर पे ध्यान दीजिए, तो फ्रेंड्स आपने देख लिया रसम बनाना कितना आसान है। फ्रेंड्स, ये साउथ में डिश का अहम हिस्सा माना जाता है, या तो कोई पार्टी हो या कोई फेस्टिवल हो, हर जगह पे ये रसम आपको पीने के लिए मिलेगा। आप चावल से खाएं या ऐसे पिएं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रसम की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।